अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कोरलड्रॉ पर लोगोस बनाना सीखेंगे, डिफरेंट लोगोस बनाएंगे हम। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उसमें हमने डिफरेंट टूल्स सीखे, हम कोरलड्रॉ में डिफरेंट टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं हमने वो सीखे पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम उन टूल्स का इस्तेमाल करके लोगोस बनाएंगे। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम दो लोगोस बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा पार्ट टू, उसमें हम दो और बनाएंगे लोगोस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहले दो हम इसमें बना लेंगे लोगो इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे एडिडास ब्रांड है उसका लोगो जो वो हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जैसे एक सर्कल में ड्रॉ कर कंट्रोल प्रेस करके दबाऊंगा तो इक्वल साइज में बनेगा सर्कल। ठीक हो गया। इस सर्कल को मैं उठाया लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे लेके आया इसके दरम्यान में, और राइट क्लिक कर दिया तो इधर कॉपी हो गया। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट से, मैंने शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से ऊपर देखें ये ऑप्शंस आ रही हैं आपको। यहाँ से मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्टेड पार्ट है वो मुझे नज़र आ गया यहाँ पे। इसको मैंने अलग कर लिया उठा के और इन सर्कल्स को डिलीट कर दिया। अब इस ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट है इसको मैं उठाऊंगा और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करूँगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके इक्वल साइज़ बड़ा होगा इसका, और इसे मैं यहाँ से ये जो स्केल नज़र आ रही है यहाँ से मैं ब्लू कलर कर दिया। लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इसमें फिल हो जाएगा ब्लू कलर, और इस पर एक और दफ़ा क्लिक करूंगा तो ये सेंटर नज़र आ रहा है आपको। इसे मैं उठा के इसके बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। ठीक हो गया। यहाँ से लाने के बाद कंट्रोल प्रेस करके ये जो ऊपर वाला कोना है इसका, यहाँ से आपने उठाना है इसको लेफ्ट क्लिक करके, और थोड़ा सा सेंटर जो है और नीचे करेंगे इसका, ताकि ये ज़रा लुक इसकी थोड़ी बेहतर रह जाए। इसलिए मैंने लिया और इसको सेंटर यहाँ पे लाया मैं, यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे, और ये ऊपर कॉर्नर से उठा के मैंने इसको इधर कॉपी कर दिया। राइट क्लिक इधर करके राइट क्लिक कर दिया तो इधर कॉपी हो गया बिल्कुल। इसी तरह इसको भी मैंने इधर इसकी तरह यहाँ की तरह कॉपी करा लेफ्ट साइड पे, ये कॉपी हो गया। ठीक हो गया। अब इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से मैंने जो इसकी विड्थ है थोड़ी बढ़ा दी, ये बढ़ गई विड्थ इसकी, और इसका जो साइज़ है ना राइट वाले जो पत्ते का, इसको थोड़ा सा छोटा किया मैंने, और इसको भी साइज़ थोड़ा सा छोटा किया। ठीक हो गया। इसे थोड़ा सा ऊपर ताकि इक्वल नज़र आए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लेंगे हम। अब एक रेक्टेंगल लूंगा मैं, ठीक है, और इसे मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा बिल्कुल इस शेप के ऊपर। ठीक है। और इसी रेक्टेंगल को मैं नीचे की तरफ कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो ये नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। ठीक है। और जो पीछे वाले तीन पत्ते हैं इनको मैं ग्रुप कर लूँगा, मतलब कि इकट्ठा इन तीनों को सेलेक्ट किया जो पीछे वाले तीन ब्लू हैं, और कंट्रोल जी कर दिया तो इकट्ठे हो गए, ग्रुप हो गए। और फिर इन तीनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया मैंने, और जो पीछे वाली है चीज़, पीछे वाले जो तीन पत्ते इन्हें भी सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, सबको चारों को सेलेक्ट कर लिया, और ऊपर आके आपने इसे ट्रिम कर देना है। ट्रिम कर देंगे तो ये जो इस रेक्टेंगल के नीचे वाला हिस्सा है वो गायब हो जाएगा इस पत्ते के ऊपर से। ये देखें, ये इस रेक्टेंगल को आप हटाएंगे तो ये देखेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये गायब हो गया। इसको कंट्रोल जी पहले ही है ये, तो ये देखें ये एडिडास का एक लोगो बन गया हमारा, बन के तैयार हो गया। अब हम जो है शेल का लोगो बनाएंगे, शेल पेट्रोलियम का, वो हम कैसे बनाते हैं उसके लिए हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, शिफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने, और इस लाइन को मैंने इसी तरह एक्सटेंड किया यहाँ से, थोड़ा तरह एक्सटेंड किया, और शिफ्ट प्रेस करके मैंने शेप बना ली। ठीक है। और यहाँ से आपने शेप टूल में आके इसे एडिट करना है, टू कर्व करना है, टू कर्व कर लिया, और सेंटर से उठा के आपने इसको ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इन एरोज की मदद से आपने इसके जो कॉर्नर्स है जिसे इनको आपने स्ट्रेट करना है, और सही तरह कर्व करना है इसको बिल्कुल गोलाई में, दरमियान से करें और साइड से करें। ये देखिए इस तरह, ठीक हो गया।
थोड़ा इसको करें। तो ये हमारे पास एक बन के आ गया। इसी तरह ये नीचे है, इन दो नोड्स के दरमियान भी आपने कर्व करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर। अब आपने इसे रेड कलर दे दिया। ठीक है, और कोने से आपने उठाने हैं, इसको शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ राइट क्लिक करके कॉपी करना है। राइट क्लिक हो गया और जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है इसे आपने येलो कलर दे देना है। अब आपने कोन बनानी है इसके अंदर लगाने के लिए। कोन आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, ये मैंने कोन बनाई पेन टूल से, ये कोन बन गई। अब इस कोन को उठा के आपने बिल्कुल इसके सेंटर में लेके आना है इस सब्जेक्ट के, और इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देना है। आपने शिफ्ट प्रेस करें और नीचे की तरफ इसको बढ़ा दें। ठीक हो गया। अब आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपने कोन इसके सेंटर में आ गई है। अब आपने डबल क्लिक किया और जिसका ये सेंटर सर्कल है इसको आपने थोड़ा सा दूर कर देना है, इससे इधर ले आए, और इसको आपने यहाँ कोने से उठाना है ये ऊपर कंट्रोल प्रेस करके, ये ऐसे उठा लें और राइट की तरफ क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी, लेफ्ट छोड़ने से पहले राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इस तरह इसको आपने कॉपी करते जाना है इधर बिल्कुल भी बिल्कुल। इस तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना जैसे राइट साइड पे किया है, इसको कोने से उठा के राइट क्लिक करते जाएं और ये देखेंगे कॉपी होता जाएगा। इस तरह से ये जो है कॉपी हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट करें, ये जितने भी कॉन्स हैं हमने बनाई हैं इन सबको सेलेक्ट किया, और जो अंदर वाला इसका येलो पार्ट है इसे भी शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट किया, कॉन्स को और येलो वाले जो ऑब्जेक्ट को, इनको रेड वाले को नहीं करना, इन सबको सेलेक्ट करके ऊपर आपने ट्रिम दब, आपको यहाँ नजर आ रहा है ट्रिम, इधर क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा, और इन कॉन्स को आपने बाद में डिलीट कर देना है, ये कॉन्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास लोगो बन के तैयार हो गया है। अभी पूरे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर दें तो ये इकट्ठा हो जाएगा, और आप इसको कहीं मूव करके लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के दो लोगोस बनाएंगे हम डिफरेंट डिज़ाइंस के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।